बीजेपी के नेताओं को छोड़ेंगे ना भैया, खासतौर से सुरेश फांसी को पकड़ चढ़ बैठेंगे। यहाँ की जनता चीख चीख कर रही थी कि ना तो योगी जी से बैर है ना मोदी जी से बैर है, लेकिन सुरेश फांसी को छोड़ेंगे नहीं, उन पर तो बकदा ये चढ़ बैठेंगे। अगर इनका बच चले तो कुर्ता फाड़ के रखते। अब सुनिए जरा किस तरह से गाँव वाले चीख चीख कर बोल रहे थे। मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का, जहाँ पर भैया राज्य मंत्री सुरेश फांसी की विधानसभा प्रत्याशी जगदीशपुर, जहाँ की जनता ने मोर्चा खोल दिया है और यूदाता तो चढ़ बैठेंगे, बकदा चीख चीख कर बोल रहे थे। काका बोले कायदे सुनिएगा, वीरेंद्र तिवारी ने खबर भेजी अमेठी जिले से। अगर भाजपा को जिताना है तो सुरेश फांसी को टिकट नहीं देना है। किसी अन्य पार्टी अगर कोई प्रत्याशी टिकट पाता है तब तो हलियापुर सेक्टर से वो विजयी होगी, नहीं तो भाजपा की टिकट डूब जाएगी। सुरेश फांसी जी से आपकी क्या आपत्ति है? अरे कुछ सुनवाई नहीं करती है, आपत्ति है उनका अपनी टिकट वो दीजिए, वोट दीजिए, जब कोई हमारे क्षेत्रों ने दे वोट पूरा पूरा वोट दे आपकी। जब से सबसे बड़ी बात उनसे कहा जाए जानवर के बारे में तो सुनी नहीं, सब परेशान है जनता जी। गौशाला नहीं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक गौशाला बनवाने कहा गया, उन्होंने बनवाया नहीं, कुछ नहीं, उनका टिकट नहीं मिले, भाजपा लुटिया डूब जाए। और बीजेपी के नेताओं को दादा ने सचेत कर दिया कि भैया लुटिया बचानी है तो टिकट मत देना, अगर सुरेश फांसी को टिकट दे दोगे तो क्या बता छाती पीटते रह जाओगे, एक को वोट नहीं मिलेगा और पूरी लुटिया डूब जाएगी। फिलहाल भैया अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। एक और खबर है वो भी सुनते जाइए। अभी खबर बकायदा अमेठी जिले के संग्रामपुर की है भैया। ये बकायदा बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि खंजा का बैंड निर्माण हो रहा, भैया रुक जाओ, रहने दो, बोले क्या बताए दबंग तो चढ़ बैठे। प्रधान प्रतिनिधि के दबंगों ने भैया ऐसा सूता की काल था, मुंह से फोड़ फाड़ दिया और बकायदा देख लो कैसी दुर्दशा हो गई। अब प्रशासन सुनेगा या नहीं सुनेगा कह नहीं सकते। एक महिला की हालत गंभीर है भैया, जिला अस्पताल तक रेफर करना पड़ा। बकायदा मधुपुर खादरी का मामला बताया जा रहा है, जिला अमेठी पड़ता है, संग्रामपुर थाना पड़ता है, देखते भैया पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पर फिलहाल अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देख लो भैया बिचारी बहुत है परेशान थी। अब तेरी कड़ाके की ठंड में आवाज नहीं निकली जा रही, मां ठंड में हम ठिठुर जा रहे, कम से कम वीडियो को तो शेयर कर डालो, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार।